क्वाज इंडियन बैकड्रॉन थ्रीडी गेम में आ जाता है एक अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर और आते ही ये अपने सिटी के साइंटिस्ट को मारने लगता है। और फ्रैंकलिन से क्या इसका सामना हो पाएगा, क्या फ्रैंकलिन इसी को मार पाएगा, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो भाई चलो यार, मैं फाइनली अपने बहुत दिनों बाद अपने पास आ चुका हूँ। लेकिन एक मिनट यार, यहाँ पे ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं इस जंगल से, तो मुझे जाके वहाँ पे देखना पड़ेगा। अरे ये क्या यार, यहाँ पे तो दो साइंटिस्ट और एक वर्कर है, ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर, और ये उनके सामने छोटा सा है क्या। चलो इनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। चलो मशक्कत के बाद मैंने मॉन्स्टर ब्रेन बना लिया है और इसको जल्दी से अपने लैब के अंदर लेकर चलते हैं। अरे ये तो चले गए। अरे हमें यहाँ से बहुत ही संभल के निकलना पड़ेगा, कोई हमारा पीछा ना कर ले। तो जल्दी से दोस्तों अपनी कार उठाते और इनका पीछा करते हैं। गाइस हमें जल्दी से उनके पीछे चलना होगा क्योंकि ये हमारे सिटी से बहुत ही अजीब सा क्रिएचर लेकर गए हैं। कहीं उस क्रिएचर से वो लोग कहीं छेड़खानी ना करें अपने लैब में, जल्दी से उनका पीछा करते हैं। ये लोग हमारे सिटी के साथ कुछ बड़ा करने वाले हैं, जल्दी से इनका पीछा करते हैं। लेकिन भाई मुझे पता नहीं चल रहा है अचानक से गायब कहां पर हो गए और ये किधर से आए थे, और ये तीनों अपने सिटी के लग भी नहीं रहे थे। जल्दी से मैं इनको ढूंढता हूँ। चलो फाइनली हमारा लैब आ चुका है और जल्दी से इस गाड़ी को यहीं पर रोक दो। अरे यार भाई ये तीनों गए कहां, मैंने पूरी की पूरी सिटी छान दी लेकिन ये मुझे कहीं दिखे ही नहीं। चलो यार लास्ट ये एयरपोर्ट ही मुझे देखना है, कहीं ये एयरपोर्ट पे तो नहीं आए। अरे एक सेकंड गाइस, मुझे सामने एक ब्लैक कलर की गाड़ी दिख रही है, पास चलता हूँ। अरे भाई ये तो वही स्कॉर्पियो जो तीनों लेकर भाग रहे थे, रुको उतर के देखता हूँ। अरे यार ये तो वही गाड़ी है, लेकिन ये सारे के सारे चले कहाँ गए। कहीं यार इस फैक्ट्री के अंदर तो लोग नहीं चले गए, शायद चले गए होंगे, मैं देखता हूँ जल्दी से इसके अंदर जाने का रास्ता कहाँ पर है, देखता हूँ। यहाँ पर तो नहीं है। अरे यार खिड़की भी नहीं है यार, ये लोग गए कैसे अंदर। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, अभी भटकना सही नहीं है, तो हम लोग जल्दी से घर चलते हैं। वैसे यार ये साइंटिस्ट थे तो वैसे एक्सपेरिमेंट किसी सड़क पे तो करेंगे नहीं, अपने रूम में ही करेंगे, तो छोड़ो यार इनको। लेकिन यार ये भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से तीनों गायब कहाँ पर हो गए, मुझे उनकी गाड़ी दिखी लेकिन वो नहीं दिखे। चलो यार कोई बात नहीं, सुबह देखेंगे। वैसे यार मैं काफ़ी थक चुका हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में गाइस। चलो फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट होता देखूंगा और इस सिटी को तबाह होते देखूंगा, क्योंकि फ्रैंकलिन ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अरे तुम अपनी टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से अपनी एक्सपेरिमेंट को इस क्रिएचर के ऊपर डालो। अरे नहीं नहीं तुमने कौन सा एक्सपेरिमेंट डाल दिया इसके ऊपर, अब ये मुझे भी नहीं छोड़ने वाला। अरे बचाओ बचाओ, अरे यार बचाओ बचाओ बचाओ, अरे यार कोई हेल्प कर दो मेरी, इस क्रिएचर से बचाओ, कोई हेल्प कर दो। अरे यार इतनी रात को किसने मेरी नींद खराब कर दी यार, ये कौन बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। वैसे मेरी सिटी में ऐसा कुछ होता रहता है यार, कहीं यार ये हमारे फिर से किसी सिटी में क्रिएचर तो नहीं आ गया, जल्दी से देखते हैं, जाके देखते हैं। लेकिन यार मुझे बहुत ही ज़्यादा सतर्क होके रहना पड़ेगा। अरे यार, अरे ये क्या, अबे भाई ये तो वही जुरासी है। अरे ये क्या भाई, वो तो क्रिएचर, अबे यार ये तो वही क्रिएचर था ना जो जुरासिक पार्क में था इन लोगों के पास। हाँ वही था यार, लेकिन यार भाई ये तो बहुत ज़्यादा उस दिन छोटा था, लेकिन इतना जल्दी ये बड़ा कैसे हुआ, कुछ तो गड़बड़ है गाइस, उस साइंटिस्ट ने इसके साथ बहुत ही कुछ गलत किया होगा। कोई बात नहीं, चलो सुबह देखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो चुके गाइस, मैं रात वाली बात कभी भूल ही नहीं सकता यार। मैंने अपने सिटी में बहुत बड़े क्रिएचर को देखा था गाइस, जिसने उस साइंटिस्ट को मार दिया था वहीं पे। गाइस ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये न्यूज़ में भी बता रहे होंगे ना। चलो यार जल्दी से न्यूज़ देखता हूँ क्योंकि न्यूज़ में आ रहा होगा, न्यूज़ में देखते हैं हुआ क्या था। अरे अरे ये क्या, ये तो वही साइंटिस्ट हैं और ये जुरासिक पार्क सीधा लैब में। अरे नहीं यार ये तो एक्सपेरिमेंट किया है। अरे ये तो वही साइंटिस्ट जिसने मेरे सामने इस क्रिएचर ने मारा था। अरे यार इसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मैं बिल्कुल सही सोचा था गाइस, ये साइंटिस्ट किसी दूसरे शहर से आए थे हमारे सिटी में और इस क्रिएचर को उन्होंने जुरासिक पार्क से पकड़ा था और उस पर एक गलत एक्सपेरिमेंट कर दिया यार, जिसके वजह से इसका साइज बहुत ही बड़ा हो गया यार भाई।
जिसके वजह से इन दोनों साइंटिस्ट को उस क्रिएचर ने मार दिया और ये हमारे सिटी के अंदर लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। जल्दी से मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा गाइस, जिसकी वजह से मैं इस क्रिएचर को मार सकूं। मुझे जल्दी से पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और सबसे पहले मुझे पुलिस वालों से इसके बारे में न्यूज़ देनी पड़ेगी। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है गाइस, कहीं उस क्रिएचर से मेरी बहुत डर लग रहा है गाइस, किसी वजह से मैं पुलिस स्टेशन पहुँचूँ। अरे नहीं, अरे यार भाई, ये तो क्रिएचर मेरे सामने आ रहा है यार, मुझे इसे मारना होगा। जल्दी से मैं अपनी गन निकालता हूँ। ये ले, ये तो अचानक से गायब हो गया। ये अचानक से गायब कैसे हो सकता है यार, ये तो मरा भी नहीं। मुझे लगता है इसके पास इनविजिबल वाला कोई पावर है। अगले पार्ट को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।